क्वेश्चन नंबर वन, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 20 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 5 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 50 किलो कैलोरी। करेक्ट आंसर इज ए 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर टू, कार्बोहाइड्रेट व वसा वे पोषक तत्व है जो ऑप्शन ए शरीर निर्माणकारी होते हैं, ऑप्शन बी ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं, ऑप्शन सी नियंत्रणकारी होते हैं, ऑप्शन डी सामाजिक रूप से स्वीकृत होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, वसा मूल रूप से है ऑप्शन ए एक मिश्रण, ऑप्शन बी एक कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी एक तत्व, ऑप्शन डी एक प्रकार का तेल। करेक्ट आंसर इज बी एक कार्बनिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर फोर, वसा का निर्माण होता है आंसर है कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर फाइव, वसा के निर्माणक है आंसर है ट्राइग्लिसराइड्स व वसीयम। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्लोरोफॉर्म बेंजीन व ईथर में वसा आंसर है घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर सेवन, वसा को अधिक समय तक उच्च ताप पर गर्म करने से हानिकारक पदार्थ बनता है, कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? एक्रोलीन। क्वेश्चन नंबर एट, वसा में एल्डिहाइड और कीटोन्स बनने की संपूर्ण क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? रैंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्षारीय पदार्थों के साथ मिलकर वसा साबुन के समान चिकना पदार्थ बनाती है, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? साबुनीकरण। क्वेश्चन नंबर टेन, वसा को यदि पानी के साथ फेटा जाए तो वसा अति सूक्ष्म रूप में द्रव पर तैरने लगती है, इस क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? पारसीकरण। क्वेश्चन नंबर 11, किन वसीय अम्लों में कार्बन के अणु के बराबर संख्या में हाइड्रोजन के अणु उपस्थित रहते हैं? ऑप्शन ए असंतृप्त वसीय अम्ल में, ऑप्शन बी संतृप्त वसीय अम्ल में, ऑप्शन सी यौगिक लिपिड में, ऑप्शन डी स्टीरोल में। करेक्ट आंसर इज बी संतृप्त वसीय अम्ल में। क्वेश्चन नंबर 12, वे वसीय अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा कार्बन अणुओं की संख्या समान होती है, हाइड्रोजन अणु की संख्या कार्बन अणुओं से कम होती है, कहलाते हैं? आंसर है असंतृप्त वसीय अम्ल। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न वनस्पति जन्य तेलों को वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, वसा के पाचन की क्रिया शुरू होती है, वसा के पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? आमाशय से। क्वेश्चन नंबर 15, गैस्ट्रिक रस में होता है, गैस्ट्रिक रस में क्या होता है? लाइपेज। गैस्ट्रिक रस में लाइपेज नामक एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पची हुई वसा का शरीर में अवशोषण होता है आंसर है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 17, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड तथा प्रोटियोलिपिड उदाहरण है, आंसर है यौगिक लिपिड के। क्वेश्चन नंबर 18, दूध में वसा विद्वान होती है ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष रूप में, ऑप्शन बी मिश्रित रूप में, ऑप्शन सी पारसीकृत रूप में, ऑप्शन डी किसी भी रूप में नहीं। करेक्ट आंसर इज सी पारसीकृत रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, वसा प्राप्ति के स्रोत है ऑप्शन ए केवल दृश्य स्रोत है, ऑप्शन बी केवल अदृश्य स्रोत है, ऑप्शन सी दोनों अदृश्य व दृश्य स्रोत है, ऑप्शन डी अज्ञात व अनिश्चित। करेक्ट आंसर इज सी दोनों दृश्य व अदृश्य दोनों स्रोत है, क्योंकि वसा दृश्य स्रोत में मक्खन दूध सोयाबीन मूंगफली आदि से प्राप्त होते हैं और अदृश्य जैसे कि मछली में आदि में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 20, वह क्रिया जिसमें असंतृप्त वसीय अम्ल से हाइड्रोजन की क्रिया की जाती है तथा असंतृप्त वसीय अम्ल संतृप्त वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, कहलाते हैं? आंसर है हाइड्रोजनीकरण। क्वेश्चन नंबर 21, सूखे मेवे मांस मछ तथा मिठाई वसा प्राप्ति के स्रोत हैं ऑप्शन ए अस्पष्ट, ऑप्शन बी अनावश्यक, ऑप्शन सी दृश्य स्रोत, ऑप्शन डी अदृश्य स्रोत। करेक्ट आंसर इज डी अदृश्य स्रोत। क्वेश्चन नंबर 22, आहार में वसा की कमी के परिणाम से होता है, क्या होता है? आंसर इसका शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है,
त्वचा खुरदुरी हो जाती है तथा उसमें दरारें पड़ने लगती है। शरीर में कुछ विटामिनों की कमी हो जाती है तथा अभाव जनित रोग होने लगते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23। हमारे आहार में ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 24। आहार के ऊर्जादायक पोषक तत्वों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऑप्शन ए वाष्पीकरण की प्रक्रिया से, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी पोषक तत्व के अवशोषण से, ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम से। करेक्ट आंसर इज बी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से। क्वेश्चन नंबर 25। ऊर्जा मापन की इकाई है। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी सेमी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरी, ऑप्शन डी जूल। करेक्ट आंसर इज सी कैलोरी। ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्ति की ऊर्जा की मांग को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए आयु, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27। गाय के 100 मिलीग्राम दूध में 4.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3.2 ग्राम प्रोटीन तथा 4.1 ग्राम वसा पाई जाती है। दूध की इस मात्रा से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका करेक्ट आंसर 67.3 कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 28। 100 ग्राम गेहूं के आटे में 71.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 12.1 ग्राम प्रोटीन तथा 1.7 ग्राम वसा पाई जाती है। गेहूं की इस मात्रा से ऊर्जा प्राप्त होगी, कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 48.5 किलो कैलोरी। थैंक यू।